Yorio. तो दोस्तों हमारी सारी राइड कंप्लीट हो गई है और ये घोड़ा खड़ा है या पता नहीं खच्चर है, अच्छा घोड़ा है। तो दोस्तों राइड कंप्लीट हो गई है और ये मैं इसको अपना फोटो खींचे ना और सेलेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दो बहुत बड़ी कार है वो खड़ी हुई है और अब चलते हैं। ए विक्रम चलो। हाँ अरे घोड़ा पे तो यार शादी होगी तब बिठा देंगे ना आपको, चलो यार। सारा सुपड़ा साफ हो गया है। राम राम दादा। ये कोई जमा करे लगी थी मुंह का, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ पर हमको नजर नहीं आ रहा है। एक और फोल्ड मेरी बोल दो पंजाब में। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद तेरा करने सदैव तुम्हारा ही सहायता करे बेटा। धन्यवाद। यही तो चमत्कार है दिव्या। तो दोस्तों अभी हमने खाना वाना खाया और हम अर्बुदा माता जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। अभी हमारे भाई लोग पीछे आ रहे हैं और हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, बस मंदिर आ गया है। ये देख सकते हैं और यहाँ पर हो गए हैं 370 सीढ़ियाँ जो अर्बुदा माता की। और अब हमारा फ़ोन यहाँ पर जमा होने वाला है, इससे ऊपर फ़ोन अलाउड नहीं है। और बॉस रात को कहाँ थे, सोए नहीं क्या? चक नींद निकल रहे हैं। और हम यहाँ से रवाना हो गए हैं। ये हमारे उमेश जी भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं और महजी जय सियाराम। तो ये हमारे आ गए हैं चड्डा लेने के लिए, चड्डा खरीदना है इन दोनों भाइयों के। ये ले लिया मैंने, हाँ दोस्तों ये लिया है मैंने एक शर्ट, ये देख सकते हैं इसमें है मेरे सॉक्स। तो दो पार्सल अपने हो गए हैं और ये अपना मना भाई। दोस्तों मॉर्निंग में हम यहाँ पर रुके थे और इसके पास है बड़ा सा तिब्बतियन मार्केट और अब चलते हैं इसके अंदर।
तो गाइस हम गए थे अभी तिब्बती मार्केट में घूमने के लिए और दो चार आइटमें खरीदी और ज़्यादा मजा नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आई। एकाध शर्ट खरीदे हैं और ये भाई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे प्रकाश भाई हैं जो ऑलरेडी यहीं हैं, मिल गए हैं तो यहाँ चाय की मनवार की है, चाय बन रही है और पीते हैं और फिर देखते हैं आगे का क्या प्रोसेस होता है। अरे और सीटा है नहीं हो पासे ब्रेन जोर है। संजन दो और दो चार जना हो गए। ये अपना रूम है आज नाइट के लिए और बहुत बड़ा रूम है। ये अपना शैम्पू सिंह जी आके सो गए हैं और ये देखिए, और ये अपना अजय भाई, काफ़ी बड़ा रूम है यहाँ पर। ये बेड लग रहा है, एक बेड बाहर है, एक बेड यहाँ पर है और ये उमेश जी थके हुए लग रहे हैं लेकिन चेहरे पर शाइनिंग है। और ये अपना अर्जुन भाई, और यहाँ से बताते हैं आपको होटल का बाहर का लुक। तो दोस्तों फिलहाल के लिए हम माउंट आबू से निकल गए हैं और अबू रोड एक होटल के ऊपर रुके हैं हम चाय पानी करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी मस्त वाली होटल है। तो एक मस्त वाली लोकेशन दिखी है हमने और यहाँ पर हमने अपनी कार को होल्ड किया है और यहाँ पर एक अच्छा सा एक पॉन्ड दिखा है हमें। पॉन्ड मतलब पॉन्ड थोड़ा छोटा होता है पर ये पॉन्ड से थोड़ा सा बड़ा है। मछली, वाह, दैट्स कहाँ है मछली। तो गाइस यहाँ पर है एक बड़ा सा तालाब, इस तरफ इसकी आई थिंक चादर चल रही है और ये देख सकते हैं। दोस्तों हमारी एक और गाड़ी आ गई है और आ जाओ। मैं ना कौन मुझे थोड़े दूर सो रहे।
तो गाइस हम कल से है ना माउंट आबू में पानी ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें नहाने के लिए बहुत बेताब थे हम सब, पानी नहीं मिला। और फाइनली जैसे ही हम हमारी धरती पर वापस आए ना, तो यहाँ पर पानी मिला है। और ये देख सकते हैं घाट घाट पर दौड़ रहे आदमी नहाने के लिए है। और ये नहाने की वजह से हम लेट हो रहे हैं, इसकी वजह से हम हमारी शॉप पे नहीं जा पाएंगे, इस बात का हमें बहुत खेद है। पर कोई बात नहीं, सारे दोस्त मिलकर भरपाई कर देंगे इसकी। 1000 रुपये सारे देने की बात हुई है मेरे को, जो 9000 रुपये आ जाएंगे। एक साबुन वो देगा 10 रुपये वाला मना भाई। तो गाइस 2 दिन माउंट आबू का ट्रिप कंप्लीट हुआ और फाइनली हम घर पे आ गए हैं। और दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने बाल कटवा दिए हैं, हल्के फुल्के छोटे करवा लिए हैं। और दोस्तों माउंट आबू को है ना राजस्थान का कश्मीर ऐसे ही नहीं कहा जाता, वाकई में कश्मीर है। मतलब वहाँ पर जब अपनी आँखों से हम देखते हैं ना इस ब्यूटी को, इस नेचर को, मतलब यूँ लगता है कि बस यहीं रहे। मतलब आप फोन से और कैमरों से उस चीज़ को नहीं देख सकते हैं, उसके लिए आपको वहाँ पर जाना पड़ता है और अपनी आँखों से देखना पड़ता है। और जब बारिश होती है ना और वो स्नोफॉल होता है ना, उसको तो भाई साहब देखने का मज़ा ही कुछ और है। तो ज़िंदगी में कभी है ना कहीं पर भी जाओ, पर माउंट आबू ज़रूर जाना, क्योंकि काफ़ी मस्त जगह है और काफ़ी देखने लायक जगह है। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।